जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है, पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में स्थित कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट का बलूचिस्तान के लोगों ने उड़ा दिया फ्यूज। कन्फ्यूजियस इंस्टीट्यूट में जो धमाके हुए उनकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। साथ में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रस्म अदायगी करते हुए दुख प्रकट कर दिया। चीन ने पाकिस्तान आर्मी से प्रार्थना करी कि वह समस्या की जड़ का इलाज करे। साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइनीज एम्बेसी की यात्रा कर डाली और वहां जाकर आश्वासन दिया कि पाकिस्तान चाइनीज नागरिकों की सुरक्षा की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए ताजा आश्वासन की कलाई खुल गई है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले चाइनीज नागरिकों ने मचा दी है भगदड़। 2000 से भी अधिक चाइनीज नेशनल्स ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। चीन के लोग जो कल तक पाकिस्तान को चाइनीज कॉलोनी समझ रहे थे, आज उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अपने यहाँ खुद की भयंकर बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन ये मजदूर और इंजीनियर बुलाते थे चीन से, आज उन्हीं चाइनीज मजदूरों को और इंजीनियरों को वापस लौटना पड़ रहा है चीन। इस पूरे घटनाक्रम के लिए पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अमेरिका को। पाकिस्तान ने जिसे जिम्मेदार ठहराना है उसे ठहराता रहे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा दलदल है जिसमें अमेरिका हो या चीन हो, जाते सब अपनी मर्जी से हैं, लेकिन निकलते बाहर पाकिस्तान की मर्जी से हैं। आज जब चाइनीज मुर्गा हलाल हो रहा है पाकिस्तान में, तब चीन को याद करना चाहिए पिछले साल की बातें, जब अमेरिका अफगानिस्तान से लोटा बाल्टी लेकर भाग रहा था, तब चीन मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहा था। चीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। चाइना तो सपने देखने लगा था कि अब चीन पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान, एक नहीं दो दो देशों को अपनी कॉलोनी बनाएगा। लेकिन आज आप उन चाइनीज सपनों को कराची एयरपोर्ट पर टूटता हुआ देख सकते हैं। चीन के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार यदि कोई है तो वह चीन अकेला है। अमेरिका के द्वारा की गई पुरानी गलतियों से चीन ने कुछ नहीं सीखा, तो आज चीन बन गया है पाकिस्तान के वर्तमान का शिकार। इसलिए चीन के साथ जो हो रहा है चीन उसी के लायक है। अब दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको आया है पसंद तो लगे हाथ तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।